आवाज आ रही है क्या मेरी? प्रीति, नीलम, सोनल? हाँ मैम, आ रही है। अटक अटक क्या रही है पर? बाप रे, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ? आपका माइक ही नहीं था ना, दिख ही नहीं रहा था आपका स्पीकर, वो माइक। मैम आपका माइक हाँ, ओके। ही था इसलिए आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी क्या हो गया, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। एक्चुअली वो थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा, मे बी। ओके, प्रोजेक्ट डिस्कस करें हम लोग। हाँ मैम, यस नीलम, सोनल, माइक ऑन रखो अपना। मैम। ओके, तो प्रोजेक्ट डिस्कस करना है अपने को, ठीक है? कहाँ तक आया प्रोजेक्ट ये बता दो, और उसके बाद फिर मैं कल वाला बताऊंगी। कल जो प्रोजेक्ट मैंने बताया वही रिपीट करूंगी। आप अभी तक कहाँ तक पहुंचे हो ये बता दो। कुछ स्टार्ट किया है? कुछ वर्क बनाया है? कुछ स्टार्ट किया है? सर्च किया है कुछ? प्रीति, सर्च किया है कुछ? आवाज नहीं आ रही है क्या? नीलम, सोनल, सोनाली, सर्च किया है कुछ? कोई ब्रांड सिलेक्ट किया है आपने? कोई भी एक ब्रांड सिलेक्ट किया है क्या? कोई किसमें क्या? मैम हाँ, कौन सा किया आपने? सोनल, कौन सा ब्रांड सिलेक्ट किया आपने? किस पे वर्क करोगे? कौन से ब्रांड पे वर्क करोगे आप? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नीलम, प्रीति, दिख रहा है स्क्रीन? नहीं मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है पूरा। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग का आवाज भी नहीं आ रहा मुझे। अभी भी नहीं दिख हाँ, अब दिख रही है। रही? प्रीति, आपको दिख रही है? सोनल? हाँ मैम, दिख रही है। ओके, देखो ये ब्रांड का मतलब ये नाम है, इतने सारे ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है? एपीसी, एलेक्जेंडर मैकक्वीन, ठीक है? ये सब एक ब्रांड्स है, ठीक है? क्लोथिंग ब्रांड है। तो इसमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है,
ठीक है, जिसको आप मतलब ऐसे ओपन करके देखना कि कौन से ब्रांड में हमको कैसे कलेक्शंस मिलते हैं, उसके हिसाब से अपना जो सिलेक्ट करना कोई भी ब्रांड, देखो के से आपको अलग मिलेंगे, ठीक है, एल से और ब्रांड है, ए टू जेड आपको यहाँ पे क्लोथिंग ब्रांड्स मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये है अपना, देखो यहाँ पे जन्नत करके भी है, ठीक है, और जेड जेड टॉप है, सोया है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड है क्लोथिंग ब्रांड्स, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, ए टू जेड यहाँ पे लिस्ट है, तो आपको भी सर्च ऐसे ही करना है, ठीक है, ब्रांड लिस्ट ऑफ क्लोथिंग ब्रांड्स करके डाल देना गूगल पे, आपको बहुत सारे ए टू जेड आपको मिल जाएंगे, उसमें से कोई भी तीन ब्रांड उठाना है, तीन ब्रांड मतलब कोई भी तीन नाम आप लोग ले सकते हो ब्रांड के, और उसके बाद उसके ड्रेसेस, उसका इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है जो मैंने कल बताया था, समझा? मैम, हाँ, लेविस का ले सकते हैं? किसका? हाँ लेविस हाँ जरूरी नहीं है कि मतलब गर्ल्स बॉयज ऐसा कुछ वो नहीं है, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, चिल्ड्रंस का भी आप ले सकते हो, ठीक है, हाँ तो आपको जो पसंद है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, वैसा आप ब्रांड लो और ये प्रोजेक्ट अपने को बनाना है, ठीक है। तो ये स्क्रीन अभी मैं शेयर कर रही हूँ, कल का प्रोजेक्ट फिर डिस्कस करते हैं। आपका फ्रंट पेज रहेगा, फ्रंट पेज पे आपको नाम देना है, दी फॉरकास्टिंग प्रोजेक्ट, उसके सेकंड पेज पे आपका कंटेंट आएगा, कंटेंट में आएगा ब्रांड इंट्रोडक्शन, ट्रेंड इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर प्रोफाइल, फिर ट्रेंड वन, ट्रेंड टू, ट्रेंड थ्री, इसी को और करके देना, फैशन स्टाइल वन, फैशन स्टाइल टू, फैशन स्टाइल थ्री, जितना आपको मिलता है उसमें स्टाइल्स वो, ठीक है, गारमेंट्स में अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, जितने आपको उस ब्रांड के अंदर मिलते हैं उतने आपको यहाँ पे शो करने हैं, आप पांच के ऊपर भी कर सकते हो, पांच के नीचे भी शो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक या दो नहीं करना है, तीन चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज आएगा ब्रांड के बारे में, मैम, ब्रांड का इंट्रोडक्शन आएगा, ब्रांड के बारे में नेक्स्ट पेज आएगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन आएंगे, जो भी आप ब्रांड ले रहे हो, तीन आपने ब्रांड लिए हैं तो तीनों ब्रांड की उसमें थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है ब्रांड का, उसका लोगो जो दिख रहा है वो उसको वो इंस्पायर कैसे हुआ, ये सब उसमें आता है लिख के, तो थोड़ा थोड़ा लिखना है। थर्ड पेज पे आएगा कस्टमर प्रोफाइल, तो वो ब्रांड के जो मॉडल्स होते हैं उनका वहां पे प्रोफाइल दिया रहता है, उसी को कॉपी पेस्ट करना है, अदरवाइज आप कोई और मतलब कस्टमर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई और मॉडल को करना चाहते हो तो वो भी चलेगा। देन नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट ब्रांड, आप जो भी फर्स्ट ब्रांड ले रहे हो उसका नाम, उसके नाम का मीनिंग आएगा और यहाँ पे आएगा उसका लोगो, ठीक है। उसके नेक्स्ट पेज पे आएगा उससे जुड़े उसकी जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड हिस्ट्री, वो ब्रांड क्या बनाता है, कौन सा फैब्रिक यूज करता है, उसकी जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो आएगी, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस में ट्रेंड के हिसाब से उसने जो भी ब्रांड सेल कर रहा है अभी वो सब आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे उसका जो पूरा हिस्ट्री आता है ब्रांड का हिस्ट्री, उसमें कुछ स्टाइल को उसने नाम दिए है ब्रांड ने, तो उसके बारे में आएगा, पिक्चर्स कलेक्ट करना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसमें आएगा आपका कलर हिस्ट्री, ठीक है, कलर हिस्ट्री में उस ब्रांड ने जो भी कलर अब तक
यूज किए हैं गारमेंट के लिए वही कलर आपको उसमें डालने हैं और दूसरे कलर्स नहीं डालने हैं। नेक्स्ट और लास्ट आएगा आपका सेलआउट्स, ठीक है। जो भी सेलआउट्स आपको दिखते हैं वो ब्रांड के अंदर, स्पोर्ट्स वेयर है तो स्पोर्ट्स वेयर के जितने भी सेलआउट्स दिखेंगे वो सारे आपको कंप्लीट करना है। ट्रैक सूट अलग दिखता है, योगा का जो आउटफिट है वो अलग दिखेगा, जिम वेयर अलग दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह के आपको अलग अलग गारमेंट्स वहां पे शो होंगे, उनके सेलआउट्स आपको ऐसे बनाने हैं, इलस्ट्रेट करने हैं, ठीक है। यह आपका प्रोजेक्ट डिस्कशन हो गया है। अब आपने अभी तक क्या वर्क किया ये आप मुझे बताओ, सिर्फ कलर हिस्ट्री बनाई है या कुछ और? इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात कर रही हूँ। नीलम, प्रीति, सोनल, प्रीति, नीलम, सोनल, ग्रुप डिस्कशन हो चुका है अपना, आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट वर्क किया है वो डिस्कस करो। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? मैं क्या बोल रही हूँ? सुनाई आ रहा है या नहीं आ रहा है? तीनों को सुनाई नहीं आ रहा है क्या? नीलम को नहीं आ रही है, बाकी प्रीति, सोनल सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? आवाज नहीं आ रही है तो चैट करो, दिख रहा है मेरे को मुझे यहाँ पे? पहले बता रही हूँ आप लोग मेरे को रिस्पांस नहीं दोगे, मैं नोट्स नहीं देने वाली हूँ और इंटरनल मार्क्स भी नहीं जाएंगे, प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे तो मैं कोई भी मार्क्स नहीं डालने वाली हूँ, पासिंग भी नहीं दूंगी। समझ में आ रही है बात? नहीं समझा क्या? प्रीति, नीलम, सोनल, तीनों को नहीं आ रही है क्या आवाज? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। मैं बोल रही हूँ चैट करो, फिर नहीं आ रही है आवाज तो ऑप्शन है अपने पास। प्रोजेक्ट वर्क बताओ मुझे कितना हुआ है, क्या सर्च किया? ठीक है, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं आप लोग को, ठीक है, और नोट्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बोलना मत अभी नोट्स के बारे में। अरे तो चैट को ऑप्शन है ना प्रीति, लिखो ना उस पे, मुझे आवाज नहीं आ रही है मैडम। मैम लेकिन सर्च नहीं किया ना हमने, जो आपने कल बताया था ना वो सर्च नहीं किया, वो पहले वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं मैम। लेकिन मैंने बोला था कल का कि सर्च करो, तो वो भी तो करना था साथ में, इतना टाइम लगता है क्या पहला प्रोजेक्ट बनाने में?
सर्च करने के लिए आधा घंटा लगता है, मैंने कल ही बताया था, अभी आपके सामने एक चीज मैंने सर्च करके बताई। हम तबीयत अच्छी नहीं थी, इधर उधर जाना हो रहा था, इस वजह से कल हॉस्पिटल में गई थी मैम। पेंटिंग का काम किया मेरे को 25 तक चाहिए, मैंने पहले ही बोला अगर तो। हाँ मैम, नहीं मैम मिलता 25 तक पता नहीं अभी होता कि नहीं। मैं नहीं मिला तो मैं ना तो नोट्स देने वाली हूँ ना ही मार्क्स, मैम ट्राई तो कर रहे ना मैम, पर कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है ना, इतना चिल्लाने के बाद भी मेरे को आप रिस्पांस नहीं दे रहे हो तो क्या मतलब है इतना फिर मेरे को बोल के। आपके प्रोजेक्ट का वेट करती रहूंगी तो फिर पूरा टाइम निकल जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएंगी। मैम आवाज 25th लास्ट डेट है, 25th को मुझे आपका कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला ना, 10% भी आपने मेरे को करके दिखाया ना, मैं नोट्स दे दूंगी। अगर 10% भी नहीं मिलता है आपसे, 1% भी मेरे को नहीं दिखाई देता ना, तो मैं बिल्कुल नोट्स नहीं देने वाली हूँ। बोलना मत कि मैडम ने नोट्स नहीं दिए हैं, और इंटरनल मार्क्स भी नहीं डालना है मेरे को, इवन वाइवा भी नहीं कंडक्ट करूंगी आपका। जीरो रिस्पांस देते हो, कुछ भी नहीं, मतलब कितना आपके क्लास में कितने लड़कियां है, क्या प्रेजेंट रहते हो आप लोग, नेटवर्क इशू है, यहाँ पे चैट का ऑप्शन है ना, नेटवर्क इशू है तो करो मैसेज। मैसेज देखो सोनल, नीलम सोनल मैसेज देखो, कौन से तीन ब्रांड सिलेक्ट किए नीलम?
नीलम नाम सेंड करो, ब्रांड के नाम सेंड करो। ब्रांड की इंफॉर्मेशन सर्च करना स्टार्ट करो। नीलम मैसेज तो देखो,